रहीम बच्चों, हमने डीए की मैथ स्टार्ट की हुई है। मैथ 113 और इसका बी पेपर स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द फंक्शन। हमें ये फंक्शन दे दिया, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया बनता है और वाई एक्सिस के ऊपर कर्व है हमारे पास, बाय सिम्पसन रूल लगाना है हमने। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स ऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो बच्चों, एक्स ऑर्डिनेट हमने किस तरह निकालने हैं, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर हमारे पास कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू वहां पर क्या होती है, जीरो के बराबर। अगर हमारे पास कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है, देखो कर्व हमारे पास एक्स के अंदर है, तो वहां पर y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हम यहां पर y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, सिक्स एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, x, x कॉमन आ जाएगा, सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों, ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो बच्चों, एक्स इज इक्वल टू जीरो और सिक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो सिक्स इक्वल टू, ये माइनस का एक्स है, इस तरफ आगे प्लस का एक्स हो जाएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास आ गई जीरो से लेकर सिक्स तक। तो बच्चों, ये हमारे पास असल में ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये वाला माइनस का वाई होता है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ये यहाँ पर एक्स पॉजिटिव का है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव का है। तो बच्चों, हमारे पास उसने लेंथ बेस दे दी जीरो से लेकर सिक्स तक। तो बच्चों, यहाँ पर जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ तक हमें पॉइंट दे दिए उसने। और हमें ये भी बता दिया भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया है इसका। तो इसका मतलब क्या, हमें क्या मालूम करनी पड़ेगी, वाई की कीमतें मालूम करनी पड़ेगी। तो हम वाई की कीमत मालूम कर लेंगे। तो बच्चों, मैं इसको रेज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो बच्चों, मेरे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो और सिक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो बच्चों, ये हमारे पास, मैंने एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के अंदर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए मैंने इस वाई की जगह जीरो पुट करके यहां पर एक्स की दो वैल्यू निकाल ली हैं। तो बच्चों, क्या करेंगे, हमने यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर सिक्स तक है। तो हमने एक्स की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स तक ले ली हमने एक्स की वैल्यू। हमने अब किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। तो बच्चों, किस तरह निकालेंगे, तवज्जो करनी है आपने, सिक्स एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इस एक्स की जगह, अगर मैं एक्स की वैल्यू इसके अंदर क्या पुट करूं, जीरो, तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई इज इक्वल टू सिक्स आ गया, एक्स की जगह जीरो माइनस इस एक्स की जगह जीरो, तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जीरो। तो बच्चों, मैं जब एक्स की जगह जीरो पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू मेरे पास आती है जीरो। इसी तरह बच्चों, अगर मैं एक्स की जगह क्या पुट करूं, वन, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास। तो बच्चों, इस सिक्स इसी तरह आ गया, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वन, एक्स की जगह वन, वाई इज इक्वल टू सिक्स, वन का स्क्वायर वन आ गया, तो वाई इज इक्वल टू फाइव आ गया। अगर मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू मेरे पास आती है फाइव, तो y की वैल्यू क्या आ गई, फाइव। इसी तरह बच्चों, मैं x की जगह अब क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू टू, पहले मैंने जीरो पुट किया, y की वैल्यू निकाल ली, फिर x की जगह वन पुट किया, मैंने y की वैल्यू फाइव निकाल ली। अब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, टू, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह टू माइनस x की जगह टू, तो y इज इक्वल टू दो ती छः दुनी बारह, दो दुनी चार, y इज इक्वल टू हमारे पास आठ में बारह में से माइनस चार करेंगे तो आठ आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, आठ के बराबर, y की वैल्यू आठ आ गई। मैंने x की जगह टू पुट किया इस फंक्शन के अंदर, तो y की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, आठ के बराबर।
इसी तरह बच्चों मैं x की जगह अब क्या पुट करूंगा, 3, x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 6, इसी तरह x की जगह 3, x की जगह 3, 6 3 18, 3 3 9, तो 18 में से माइनस 9 करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 9। इसी तरह बच्चों हम बारी बारी ये पॉइंट मैन पुट करते जाएंगे इस फंक्शन के अंदर तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब बच्चों मैंने x की जगह क्या पुट करना है, 4, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, तो x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, x की जगह 4, तो ये 6 4 24, 4 4 16, 24 में से माइनस करेंगे 16 मेरे पास 8 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 8। इसी तरह बच्चों मैं x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, तो ये 6, इसी तरह आ गया, x की जगह मैंने 5 पुट करना है, 5 का स्क्वायर आ गया 6 5 30, और 5 5 25 आ गया, 30 में से माइनस करेंगे 25 तो मेरे पास आ जाएगा 5। मैं x की जगह 5 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी मेरे पास किसके बराबर आती है, 5 के बराबर। इसी तरह बच्चों अब मैंने x की जगह क्या पुट करना है, 6, x इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 6, इसी तरह x की जगह 6 और 6 का स्क्वायर 6 6 36 आ गया, 6 6 36, प्लस का 36 माइनस का 36 कैंसिल, 0 आ गया, y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मैं x की जगह 6 पुट करता हूँ y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 0। तो बच्चों आप लोगों ने ये y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लेनी है सबसे पहले। तो बच्चों असल में बच्चों ये हमारे पास कौन से ऑर्डिनेट आ गया, 0 बन गया, 5 बन गया, 8 बन गया, 9 बन गया, 8, फिर 5, फिर 0। तो बच्चों ये हमारे पास आ गए y ऑर्डिनेट, उसने x ऑर्डिनेट हमें दे दिए थे 0 से लेकर 6 तक, हम 0 से लेकर 6 तक ले लिए, बारी बारी इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह। तो बच्चों हमारे पास हमने इसके ऊपर देख लेंगे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7, एन बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। अगर एन हमारा 7 आ जाए तो उसके ऊपर हमने कौन सा, एन असल में 7 आ गया, 7 क्या, ओड नंबर है, ओड के लिए बच्चों हमने कौन सा रूल लगाना होता है, सिम्पसन रूल लगाना है। तो बच्चों हमने कौन सा रूल लगाना है, सिम्पसन रूल लगाना है। तो बच्चों सिम्पसन रूल किसके बराबर होता है, a इज इक्वल टू s ओवर 3 इंटू ए प्लस का 2d प्लस का 4e, ये होता है हमारे पास सिम्पसन रूल। तो बच्चों सबसे पहले हमने s फाइंड करना है, क्योंकि बच्चों हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बच्चों ये असल में लेंथें होती हैं हमारे पास, कोई इस तरह का हमारे पास क्या है, एरिया, हमने ये y की वैल्यू निकाल ली है। तो देख लें बच्चों ये लेंथ क्या है, y है, ये भी y है, ये भी y, 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 y। तो बच्चों ये देख लें, उसने हमें बताया था भी हमारा जो सा एरिया है, इन द एरिया, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रिक, हमारा एरिया बनता है फर्स्ट क्वाड्रिक के अंदर। बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रिक है, तो फर्स्ट क्वाड्रिक के अंदर है तो हमारे पास बेस कितनी बनेगी फर्स्ट क्वाड्रिक की, तो हम s किसके बराबर ले लेंगे, 1, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रिक के अंदर है, तो s हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, तो s हमारे पास 1 आ गया। तो बच्चों s की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अगर हमारे पास ये फंक्शन होता सेकंड क्वाड्रिक के अंदर तो हमारे पास s किसके बराबर बनना था, 2 के बराबर। अगर हमारे पास ये फंक्शन होता थर्ड क्वाड्रिक के अंदर, s हमारा कौन सा बनना था, 3 बनना था। अब s हमारे पास 1 बनेगा। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, a, a आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास लास्ट टर्म है, तो हम फर्स्ट टर्म प्लस करेंगे लास्ट टर्म, तो हमारे पास a आ जाएगा, a किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमने क्या निकालना है, d होता है सम ऑफ ऑल ओड नंबर। तो किस तरह हमें ओड नंबर का पता चलेगा, हम ये फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट ले लेंगे, h0 h1 h2 h3 h4, तो हमें इस तरह पता चलता है ओड नंबर और इवन नंबर का।
तो बच्चों ये डी किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल ओड नंबर। ओड नंबर कौन सा हमारे पास, एक तो एच वन है और एक एच थ्री है, तो बच्चों ये जमा करवा देंगे, 8 + 8, तो बच्चों हमारे पास डी किसके बराबर आ जाएगा, 8 + 8 हमारे पास 16 के बराबर आ गया। अब बच्चों मैंने क्या निकालना है, ई ई बच्चों मेरा किसके बराबर होता है, ई हमारा बराबर होता है फर्स्ट लास्ट टर्म, ये तो हमारे पास जीरो क्या आ गया, फर्स्ट, ये जीरो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट है, ये इससे अगला जो उनसा नंबर है ना ये कहलाता है फर्स्ट लास्ट टर्म, तो लास्ट फर्स्ट लास्ट टर्म जमा करेंगे, और ई होता है फर्स्ट लास्ट टर्म और एंड ऑल सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सम ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हमारे पास, एक तो बच्चों एच टू है हमारे पास और एच फोर है, ये इसमें जमा कर देंगे, फर्स्ट लास्ट टर्म और जमा करेंगे सम ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर क्या हमारे पास, एच टू, टू क्या है इवन नंबर, एच फोर क्या है इवन नंबर, तो मेरे पास आ गया 9 + 5, तो बच्चों ये मेरे पास ई आ जाएगा, 5 × 5 = 10 हो गया और 9 = 19 आ जाएगा। अब बच्चों मैंने क्या लगाना है, रूल, कौन सा सिम्पसन रूल लगाना है, सिम्पसन रूल किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू एस ओवर थ्री और ए प्लस का 2d और प्लस का 4e के बराबर है, ए इसी तरह आ गया, एस हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1/3 आ गया, ए बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, जीरो के बराबर, शून्य के बराबर है, जीरो का मतलब क्या है, शून्य। तो इसी तरह बच्चों डी हमारे पास किसके बराबर है, और ये 2 इसी तरह आ गया, डी मेरे पास 16 के बराबर है, प्लस 4 इसी तरह आ गया, ई मेरे पास 19 के बराबर है, तो 19 पुट कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, तो बच्चों ए इज इक्वल टू 1/3 आ गया, 0 + 16 × 32 आ गया, 19 चौका हमारे पास आ जाएगा 76। जब बच्चों 19 ضرب 4 करेंगे ना तो आप लोगों के पास आएगा 76। अब बच्चों क्या करेंगे, 32 + 76 कर देंगे, 32 + 76 करेंगे तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1/3 आ गया, हमारे पास आ गया 108। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 3 को डिवाइड कर देंगे, 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये 108 ही आ जाएगा, और 3 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड, तकसीम कर देंगे, तो बच्चों तकसीम करेंगे 3 तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, इस फंक्शन का एरिया किसके बराबर आ गया, 36 के बराबर, 7 लिखेंगे स्क्वेयर मीटर, तो बच्चों स्क्वेयर मीटर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, एक वाई को 0 पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 और 6 निकाल लेनी है, फिर हमारे पास 0 से लेकर 6 तक इंटरवल था, 0 से लेकर 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक था, तो हमने वाई की वैल्यू निकालनी होती है, वो किस तरह निकालते हैं वाई की वैल्यू, हम बारी बारी एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी, इस तरह हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये असल में वाई क्या होते हैं, ये असल में लेंथें होती हैं वाई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।